मैं जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं, और चुप रहिए आप लगता है कि सारे लोग जो लोग बीच में टपक रहे हैं वो बीजेपी का एजेंट बनकर आए हैं क्या आप? अरे यार, आप बीजेपी से पूछो ना, अरे पहले जवाब तो दे लो यार, एक हुआ नहीं दोबारा मतलब टपक रहे हो। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। जो इन लोगों ने सवाल किया है, हम भी तो सवाल ही कर रहे हैं। अरे पहले जवाब तो दे लो यार, एक हुआ नहीं दोबारा मतलब टपक रहे हो। पहले इन्हीं की जवाब हो रही है सर, आराम से बात कीजिए। जाएगी संयम होकर के बोलिए। देखिए, आप इतने आक्रोश में क्यों आ गए? मैं आप लोगों का काम ही यही है। आपने कभी मोदी जी से मतलब कि सवाल किया कि आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था? मोदी जी आपने क्यों नहीं, अरे आपने किया उसे? हम तो आपसे पूजा करने से, मंदिर जाने से, नहीं जाने से देश के विकास पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे जिस चीज से देश के विकास पर फर्क पड़ता है उस पर बात करो ना आप लोग, उस पर तो बात आप लोग करोगे नहीं। सर धमकी दिया जा रहा है, मैं एयरपोर्ट क्या मिलेगा? पहले आप मेरा बात खत्म, देश के सभी पहले में चाहिए। आप पहले मेरा बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप सवाल हमसे करिएगा, समझ गए? इन्होंने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? मेरा कहना है कि जिनको अंधविश्वास की तरफ बढ़ना है वो बढ़ें, हमें प्रकाश की तरफ जाना है। और हम पूरे भारतवर्ष के देशवासियों से आप लोग बोलने देंगे तब न बोलेंगे। आप लगता है कि सारे लोग जो लोग बीच में टपक रहे हैं वो बीजेपी का एजेंट बनकर आए हैं क्या आप? अरे यार, आप बीजेपी से पूछो ना, आप बीजेपी से पूछो ना, ऐसा बात जाकर समझे। सर सवाल ये है कि आप कह रहे हैं आप पहले भी तो मंदिर जाते हैं, पहले आप पहले यार, अरे यार एक सवाल, शिव मंदिर है, आप कंप्लीट कीजिए, पता है आपको 10 सेकंड शिव मंदिर है, आप कंप्लीट कीजिए। मंदिर से एक बात बताओ, अभी तो बोले मंदिर में, मंदिर से कितने IAS निकलेंगे, कितने IPS निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने प्रोफेसर बनेंगे, बताओ ना हमको। मंदिर तो सर अपनी आस्था का प्रतीक है ना सर, हमारे और हमारे देवता। अरे तो भाई जिनको जिस चीज, देखिए मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिसको जिन चीज में आस्था है उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है, हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं। और मैं पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि 22 जनवरी को पूरे देशवासी और प्लस जो हमारा बिहार सरकार लाखों पुजारियों को जो नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो शिक्षा के मंदिर का पुजारी है, उस सभी पुजारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि 22 जनवरी को सभी शिक्षा के मंदिरों में मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित करने का काम करेंगे। हमारा, हम चाहते हैं कि पूरे देशवासी शिक्षा के मंदिर को प्रकाशित करें, और शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। जो बात सावित्री बाई 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 फुले ने कहा है, वही बात ज्योतिबा राव फुले ने कहा है, वही बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा उस दिन भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं पूरे भारतवासी से आह्वान करता हूँ कि 22 जनवरी को एक कदम भारत को महान बनाने की तरफ पूरे देश के विद्यालयों में मोमबत्ती जलाकर उजाला कर दो देशवासी। और मैं कहता हूँ जिस दिन पूरे देश के विद्यालयों में उजाला हो गया, भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। सीट किसको देना है? अरे ये तो देश का जनता तय करेगा ना कि सीट किसका आएगा और किसका नहीं आएगा। तो राम मंदिर पर क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 तारीख, क्या हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है राम मंदिर का। देखिए, जो देश में अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो देश में नफरत फैलाने का काम करेंगे, देशवासी को अंधेरे में ले जाने का प्रयास करेंगे। और हम देश में के जनता को प्रकाश की तरफ ले जाना चाहते हैं।
तो हम देश के जनता को शिक्षा की तरफ ले जाना चाहेंगे, प्रकाश की तरफ ले जाना चाहेंगे। और हम पूरे भारतवर्ष के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, आप कभी मंदिर जाते हैं कि नहीं? पहले मेरा बात खत्म नहीं हुआ, मैं जाता। आप पूजा करते हैं कि नहीं घर में? ये जहां हम लोग जाना, मैं करता हूँ पूजा, मंदिर भी जाते हैं, मंदिर भी जाता हूँ, लेकिन दूसरों का मना। अरे भाई, मैं शिक्षा के मंदिर में जाता हूँ जिससे देश का विकास होता है, और मैं शिक्षा की देवी का पूजा करता हूँ, मैं देवता का, मैं अंधविश्वास को नहीं मानता। पूजा करने वाले मंदिर कभी नहीं जाते? मैं पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ। मैं कभी नहीं गए किसी मंदिर में? मैं साक्षात देवी देवता को मतलब मानता हूँ। किसी मंदिर में कभी नहीं गए? मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं साक्षात देवी देवता को मानता हूँ। और जो इन लोगों ने सवाल पूछा है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। पूजा नहीं करते? मैं तो बोला मैं पूजा करता हूँ, पूजा का मैं। आपको अगर ज्ञान होता तो हमसे पूछते नहीं, अज्ञानी है आप। आप पूजा करते हैं लेकिन दूसरे को आप अज्ञानी है। पूजा का अर्थ होता है पूरा जानो और तब मानो, समझ गए? मैं पूरा जान करके। सबसे बड़े जानकार आप शंकराचार्य से भी ज्यादा बड़े जानकार हैं। बुला लीजिए शंकराचार्य को, उनको मतलब कि बोलिए चर्चा में आ जाए, शास्त्रार्थ करेंगे उन लोगों से। चर्चा में हाँ कर लेंगे। धमकी दिया जा रहा है जितने देश में विद्वान लोग सब लोग बारी बारी। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं, और चुप रहिए, चुप रहिए आप। अरे वैसे क्यों बोल रहे हैं? जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं, आप शंकराचार्य से तैयार हैं? जो अंधविश्वास, अरे बोलने जब बात खत्म, लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।